हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ये एरर आ रहा है तो दोस्तों बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है सर्विसेस, ओके। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉल सर्विस। उसके बाद आपको इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है। फिर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इस सेटिंग को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ट्रबल शूट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करना है, डिटेक्टिंग प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर एडवांस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपेयर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रिपेयर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रिपेयर हो गया है। उसके बाद आपको रीसेट के ऊपर क्लिक कर फिर से रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।